ये प्लान बना, सबको ऑफर की गई, बहुत अच्छा लगा। मीटिंग हुई, दो या तीन बार मीटिंग हुई, छोटी मोटी चेंजिंग थी वो भी की। तीन बार मैंने पहले भी भेजा प्लान, लास्ट में ये फाइनल हुआ। मकसद एक था कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिले। डीटीएम का हमेशा एक उद्देश्य रहा है, एक मोटो रहा है कि आप लोगों को बेनिफिट कैसे मिले। प्लान हम भी चाहते थे तो 3 से 8 लाख का बना सकते थे, 6 लाख का बना सकते थे। जिन कंपनियों के प्लान 3 से 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख के होते हैं, मैक्सिमम पैसा वही कंपनी कमाती है, आप लोगों को नहीं मिल पाता। पर हमने जो आपका सिस्टम था 2 लाख, जो आपका पूरा ग्राफ बना हुआ है उसी ग्राफ के अंदर इसको बनाया, ताकि जो टीम आपके साथ काम कर रही है वही टीम काम करे तो आपको भी बेनिफिट मिले। अलग से मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़े, हर एंगल पे वर्किंग की हमने और अभी भी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ घोषणाएं हो सकती है। दिवाली पे घोषणा, 2-3 घोषणाएं की उम्मीद कर रहा हूं कि दिवाली तक कितनी हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएंगी कि हम दिवाली पे कुछ नया धमाका करें, कितनी वीडियो भी बन जाएगी उनकी। इन हाउस सारा सिस्टम है, इन हाउस सारा सिस्टम है जो ये बना है सारा। ये हमारे जेडी कैमरामैन बैठे हैं, टोटल सेटअप इनके हैंडओवर है, ये बनाते हैं करते हैं। एंकर से लेकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब पूरी टीम है। यूट्यूब चैनल जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, आप लोग करते नहीं हैं, बार बार मैं कहता हूं कि डीटीएम बाजार यूट्यूब चैनल .com के नाम से आप सब्सक्राइब अपने मोबाइल में जरूर कर लें, क्योंकि नई नई वीडियो, आपके सीनियर्स की वीडियो, नए प्लान, नए प्रोडक्ट, आगे ये भी आएगा कि कितने दिन में आप डायरेक्टर बन सकते हैं कैसे काम करके, ये छोटी छोटी वीडियो भी आएंगी। टीम लीडर कैसे बनना है, ये वीडियो भी आएंगी। तो उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि अपनी टीम को भी कराएं, और अब तो एक कंपलसरी कर रहे हैं हम, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो यही माध्यम है कि अगर आप ज्वाइनिंग कराओगे, ज्वाइनिंग के साथ में YouTube चैनल उसका सब्सक्राइब कराओगे। मोबाइल तो सबके पास है, आपने 10 ज्वाइनिंग कराई, 10 लोगों को YouTube चैनल सब्सक्राइब करा दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंच पाए। और छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एरोप्लेन एयरपोर्ट पे ज्यादा अहमियत रखता है या आकाश में? रखता है ना, तो फिर क्यों भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हो? पानी का जहाज बंदरगाह पे, आपकी पोर्ट पे मायने नहीं रखता जब तक वो लहरों का सीना नहीं चीर जाता, तब तक उसकी अहमियत का पता नहीं लगता। उसी तरह एरोप्लेन जमीन पे खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता जब तक वो आकाश का सीना नहीं चीर जाए, जब तक वो उसकी अहमियत का नहीं पता लगता। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपकी अहमियत कहाँ है। आपकी अहमियत घर बैठने में नहीं है, आपकी अहमियत नेगेटिव लोगों के साथ बैठने में नहीं है, आपकी अहमियत फुल एनर्जी लगाकर अपनी टीम को अचीवमेंट दिलाने में है। जब ही लोग आपको पूछेंगे, अगर आप अपनी टीम को अचीवमेंट नहीं दिला पाए, कोई नहीं पूछेगा, फिर नेगेटिव लोग आपको ढूंढेंगे, ओह इसने तो कुछ नहीं किया, इसको पकड़ दे, वो आपको वायरस दे जाएगा, सोचने पर मजबूर होगा, क्या दिष्टा जी आए थे, ये बात क्या गया यार, हो सकता है। कहीं पूछेगा नहीं वो कि ये है या नहीं है। कुछ लोग आज भी ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, कंपनी बंद हो गई है, और नीचे वाला चुपचाप बैठ जाता है, कंपनी बंद होगी,
जिसकी ज्वाइनिंग लगाई थी, ऐसा ना हो मेरे घर पे आ जाए फील्ड से बाहर। काय के लिए भैया? अरे कंपनी बंद है नहीं है, इस बात का प्रमाण क्या है? मान लो ज्येष्ठा जी कह गए तो बात का विश्वास कर लो कंपनी बंद हो गई है। आप ज्येष्ठा जी के ऊपर भी सीनियर है, कंपनी की मैनेजमेंट का नंबर रखो, कंपनी का नंबर रखो अपने मोबाइल में, कंफर्म करो, उन लोगों के बहकावे में नहीं आओ। खुले लफ्जों में कह रहा हूं, बहुत से लोग कहते हैं एलोवेरा पीने से किसी की डेथ होगी। अरे भैया किडनी फेलियर को देगा तो डेथ ही होगी, डॉक्टर खुद बनेगा तो डेथ ही होगी, अच्छे आदमी को दो, उसका एलोवेरा का क्या फंक्शन है ये समझो ना। वो चीज नहीं करते हम लोग। तो बहुत चीजें आती है मार्केट से, मेरे पास आती है, हिमाचल से आती है या राजस्थान से आती है, पर लोग कहते हैं जैसे मैंने कहा वो छोटी सी इंडस्ट्री, आप कुछ भी बोलते हैं तो एक मिनट में पता लग जाता है। कभी नहीं बोलो, छोड़ दो ये बातें, इसलिए कह रहा हूं नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ दो, बिल्कुल बी पॉजिटिव। कम है चाहे ज्यादा है, घर के अंदर चार बच्चे हैं कि चारों एक सा कमाते हैं, चारों एक सी एजुकेशन लेते हैं, क्यों चारों को एक से लेना चाहिए, एक ही मां बाप के, फिर चारों को एजुकेशन बराबर की क्यों नहीं मिलती? किसी बच्चे का रुझान नहीं होता, किसी का कुछ और रुझान होता है, मैं ये काम करूंगा, तो हमेशा उस चीज की कदर की जाती है कि बच्चा कहां जाना चाहता है उसके हिसाब से उसको पुशअप किया जाता है। तो आप भी हमेशा बी पॉजिटिव, अच्छी चीज छोड़ो नहीं कहीं भी मिले, अच्छी बात कहीं भी नहीं छोड़ना किसी से भी मिले। अगर कोई जरा सी भी नेगेटिव, ये फैमिली के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब सॉरी फैमिली के ऊपर भी लागू होती है, अपने आपके परिवार पे भी लागू होती है चीजें, बिल्कुल नहीं करना। आगे बढ़ने के बहुत रास्ते हैं, सिर्फ सोच का फर्क है आपकी कि आपको क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो। छोटी सी बात से याद आ गई, एक गुरु के दो शिष्य थे, गुरु ने दोनों को लैंटर्न दी जलाकर, जाओ भी 10-12-15 किलोमीटर का चक्कर लगा के आओ, देखो क्या है, मिलता है। अब वो एक शिष्य ने लैंटर्न ले ली, एक शिष्य चल पड़ा, एक पूछा कहना गुरु जी कहने इस लैंटर्न से तो 5 कदम दिख रहे हैं, कैसे जा पाऊंगा? इतने में गुरु शिष्य का वार्तालाप हो रहा था, दूसरा शिष्य 5-7 किलोमीटर का चक्कर लगा के भी आ गया। गुरु ने उससे पूछा कि तुम कैसे गए, इसको तो 5 कदम दिख रहे हैं, तुम कैसे गए, तुम्हें कितने कदम दिखे? कहना गुरु जी कदम तो मुझे भी 5 ही दिख रहे थे, पर जब मैं 5 कदम चला तो 5 कदम और आगे दिखने लगे। तो मैंने जिंदगी का सार समझ लिया कि जब 5 कदम चलने के बाद अगले 5 कदम दिख रहे हैं तो मुझे हार नहीं माननी है, दूर तक निकल सकता हूं। तो आप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर समय ज्येष्ठा जी मिलें, हर समय मलिक साहब मिलें, हर समय वीए एटा जी मिलें, या आपका कोई सीनियर वो मिले, जरूरी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद काम करके दिखाना चाहते हैं। बुलाऊंगा अभी यहां पर मंच के माध्यम से आपको रूबरू कराऊंगा। कहने का सिर्फ अभिप्राय आप लोगों से इतना है कि हमेशा बी पॉजिटिव रहना। तो दोस्तों मैं अंत में उन लोगों को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने सितंबर मंथ में जो टीम लीडर बने, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बने और यहां से 2 असिस्टेंट डायरेक्टर बने। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा उन लोगों को जो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, नाम मुझे पता नहीं है, जो भी बने हैं वो प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज। जोरदार तालियों से स्वागत, ठीक है ना। एक दो जनों के बारे में बताऊंगा, हमारे आजाद जी बात नहीं हो पाई, थोड़े से उससे ये भी टीम लीडर बन सकते थे, रह गए, पर मायूस नहीं है
कहने सर कोई दिक्कत नहीं, अक्टूबर में टीम लीडर बनके दिखाएंगे। जिनसे मेरी बात हुई मैं उनकी बात कर रहा हूं। उसके बाद आते हैं हमारी बहन, जिस दिन आगे आ जाओ, जिस दिन जो है शॉपी खुली राफेल से बम, सुबह सुबह 7 बजे मेरे ऊपर डले, शिकायत जायज थी ये नहीं थी नहीं, पर जब मेरे से बात हुई, पर वो कहते हैं ना राफेल के बम वापसी तो आते नहीं है, कभी भी गिर गए तो गिर गए, पर पता नहीं इनमें क्या जादू था, इन्होंने सारे बम को ऊपर राफेल में उल्टा खींच लिया। बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, और इन्होंने लेवल प्लान जिस मुस्तैदी से, बिना मतलब ज्यादा सपोर्ट के, अपने आप अपनी टीम को संभालना काबिले तारीफ है। मैं भी वाकई में मतलब इनका एक बहुत अभिनंदन करता हूँ, इस मामले में स्वागत करता हूँ, जोरदार तालियों से इनका स्पेशल स्वागत करो प्लीज। और हमारे दोनों कपल हैं ये, और बहुत डेडिकेटेड सोलन शोपी भी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज सीनियर बने हैं, कल टीम लीडर भी बनेंगे। तो मैं कह रहा हूं, अब काफिला निकल चुका है। मलिक साहब ने कहा था, मैं मलिक साहब को बताना चाहूंगा, जहां लिखा है ना इन्होंने अगला नंबर आपका ये लिखा है ना इन्होंने, वहां पर सही मायने में अगला नंबर तो कहीं और लिख लें, वहां खाना बना दें कि ये फोटो आपके लिए है, ये मतलब बॉक्स आपकी फोटो के लिए इंतजार कर रही है। हो सकता है ये कोई जरूरी नहीं है, ये बात भी फैक्ट है, जो लेबर जो रिपर्चेज प्लान है कि मलिक साहब हो सकता है डायमंड बाद में बने, यार आप डायमंड पहले बन गए, प्लान की ताकत है ये। और हमारी बहन रामपुर शोपी, इनमें आज भी वही बात है, कहने सर आपसे बात करने में डर लगता है। क्यों भाई डर क्यों लगता है, कान तो दो ही है ना, सींग तो नहीं है मेरे है? या हैं, आपको दिख रहे हो तो बता दो इनको, तो फिर डर किस बात का। मैंने एक बात बहुत पहले कही थी किसी सेमिनार में, मुझे सर कहना बंद कर दो, मुझे सर कहना बंद कर दो, भैया कहना स्टार्ट कर दो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। भैया में अपनेपन है, सर के अंदर वो डिफरेंट स्टेटस का फर्क आ जाता है। तो दोस्तों अब सारे ये समझाएंगे कि भी डरना नहीं है, ठीक है ना, जो डरा वो मरा, ठीक है। तो जोरदार स्वागत, तालियों से इनका स्वागत करें प्लीज। हमारे जीवन जी कुल्लू में काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी बनते बनते रह गए टीम लीडर, पर कोई बात नहीं, जज्बा है, इस बार टीम लीडर बनकर दिखाएंगे। मुझे 1/6-7 लेवल की टीम से 2 टीम लीडर चाहिए हर महीने, वो फार्मूला है हमारे पास। कुछ नहीं करना, 1/6-7 टीम लीडर जो है, जो आपका लीडर है उसकी टीम से 2 टीम लीडर चाहिए, बना सकते हो क्या पक्का? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब नहीं बना सकते ना, है ही नहीं आवाज, नहीं है, नहीं है। वो आवाज डीजे पे ही निकलेगी क्या? चलो कोई बात नहीं, वो कहावत है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेगा, इंतजार में है। पर 2 महीने के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है ना। तो तालियों से इनका स्वागत करें प्लीज। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने न्यू ब्रांड टीम लीडर को, प्लीज कम ऑन द स्टेज, हमारे रामपुर की शान, हमारे भारती जी। सितंबर में टीम लीडर बने, अब मैं इनसे एक प्रॉमिस चाह रहा हूं, ले लूं क्या पक्का?
अगर पूरा नहीं हुआ तो आपसे ले लूंगा मैं वो। बोलो, आप अपने नीचे दो टीम लीडर बना के एडी कब बनोगे? एक, सॉरी एक। मार्च 2021 से पहले बन जाएंगे ना? हाँ, बस वो टीम लीडर बन गया, आप एडी बन जाओगे, फिर काय की टेंशन करे हो। अब मैं मंच पे उन दो बपर शेरों को बुलाना चाहूंगा जो हिमाचल की और डीटीएम की आन बान शान, राजेंद्र देष्टा जी और विजय हेटा जी, जिन्होंने सितंबर मंथ में अपने आप को असिस्टेंट डायरेक्टर बनाने के अंदर अपनी पूरी ताकत लगाई और आज वे असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोशन पे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। देखिए, जब ये दो महीने, प्लीज, दो महीने में ये असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, तो मैं एक बात बता दूं, सुनना चाहेंगे? नवंबर या दिसंबर के अंदर, नवंबर तो मैं पक्का नहीं कहता, पर दिसंबर के अंदर अभी डिक्लेयर करके जा रहा हूं, जिस स्पीड से आपके यहां काम चल रहा है, भले ही कम लोग कर रहे हैं, पर खुशी है जो शोपियां कैंटीन खुली है, अच्छी सेलिंग है, प्लानिंग से काम हो रहा है। राहुल भाई और विजय हेटा जी शायद नवंबर में हो जाएं, नहीं तो दिसंबर में तो 100% हो जाएंगे, ये दोनों डायरेक्टर पोस्ट पे आ जाएंगे। जब ट्रक जाता है ना, ट्रक चालक पीछे लिखता रहता है, जल मत रीस कर। वो एक भाषा अपनी लोकल, क्या नहीं कि जले मत, चैलेंज ले। चैलेंज किसको मिलता है? ऊपर वाला भी चैलेंज उसी को देता है, वो देखता है कि चैलेंज ले सकता है। जो चैलेंज ले ही नहीं सकता उसको क्या चैलेंज दे रहा है? किसी झुग्गी वाले को चैलेंज मिलता देखा है क्या? उसको चैलेंज दिया हो तुझे गाड़ी लेनी है, बताओ? गाड़ी का सपना भी तो आपको ही दिखाता है, मकान लेने का सपना भी तो आपको ही दिखाता है ना दोस्तों। अगर आपको ये कह दिया जाए आज आपको एक गाड़ी मिलेगी और लग्जरी गाड़ी मिलेगी BMW, आपको इसके बाद कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, कैसे रखोगे आप संभाल के? पड़ोसी मांगने आएगा? नहीं नहीं, मुझे तो जाना है, प्लीज। यही कहेगा ना, बार बार उसको कपड़ा मारेगा, कई साल तक तो ये सोचता रहेगा, मिली है ये, मेरी है ये, कई बार सोचेगा और दिन में कई बार उस पर कपड़ा मारेगा, चमकती रहे, पड़ोसी भी आके देखे, और पड़ोसी ने मांग ली और पड़ोसी को जो रखवाली, जो केयर आप कर सकते हो, क्या वो जो ले जा रहा है दोस्त या पड़ोसी वो कर सकता है? स्पीड ब्रेकर आ गया ना, आज ही मौका मिला है, खुदा दे, बस स्पीड ब्रेकर से भी खुदा दे, आज ही सिंगल तोड़ दे, जितना भी चलान तो वो भरेगा अगले का, उसका आएगा नंबर तो उसी का है। तो जो केयर आप अपनी टीम की कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। पॉजिटिव रखो अपनी टीम को, कोई प्रॉब्लम आए तुरंत सीनियर से कॉन्टेक्ट करो, मैनेजमेंट से डिस्कस करो, आपकी हर प्रॉब्लम के लिए हम तैयार हैं, ठीक है? तो अंत में मैं अपनी बात को विराम दूंगा और आप लोगों से ये आशा करके जा रहा हूं, नवंबर के अंदर दूसरे रॉयल्टी चीयर आएंगे और हमारे वालिया जी आएंगे, दिसंबर के अंदर मैंने अपना टाइम फिक किया कि दिसंबर में मैं फिर आऊंगा यहां पर बर्फ गिरने से पहले LDP में, तब तक मुझे इस स्टेज पर नवंबर और दिसंबर में कम से कम 10 टीम लीडर और 6 असिस्टेंट डायरेक्टर इस स्टेज पर चाहता हूँ। जो मेहनत आप पकोड़े बनाने में लगा रहे हो, उतना टाइम नेटवर्किंग में लगा लेना, आपको पकोड़े बने बनाए देंगे, पैकेट से निकालना, तलना और खा लेना, बहुत चीजें देंगे, चीजें बहुत आनी है, 500 चीजें आनी है, देसी घी आ चुका है,
शक्कर आ रही है, गुड़ आ रहा है, प्लेन गुड़, पीनट गुड़ और काय का चाहिए, काजू बादाम का भी चाहिए क्या? चाहिए, तभी आवाज में कह रहे हैं पैसे देने पड़ेंगे, इतने ज्यादा क्या होगा, पर चिंता ना करो, ड्राई फ्रूट का भी गुड़ देंगे आपको, सब कुछ देंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आप लोगों का थैंक यू करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। मैम जितेंद्र नेगी जी यहां बुलाना चाहूंगा, हमारी अपलायन कौन है, मेरे से ऊपर कौन कौन लोग हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है आज हम इस ग्रुप को तैयार करने का? जितेंद्र नेगी सर, सर मेरे अपलायन है ये, सिमोन दीदी मेरे अपलायन है, जो आज हमारे अपलायन है, मेरे नहीं सॉरी हमारे जो अपलायन है, और मिस्टर राजेंद्र देष्टा सर मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे, राम गोपाल सर मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे, और खैर जो हमारे अपलायनों में सबके जो अपलायन है, कृष्ण मलिक सर मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे, जो अपलायन जो हम, मैं अपने से ऊपर की बात कर रहा हूँ, जो हमारे अपलायन है, जो हम आप सभी लोग हैं हमारे अपलायन, सर ने मुझे प्लान देना सिखाया, सर ने मुझे प्लान, क्योंकि देखो गाड़ी स्टार्ट करना मुश्किल होती है, स्टार्ट होगी फिर तो उड़ के चली जाती, तो इन्होंने गड्डी को स्टार्ट किया, गड्डी यहाँ पे तो स्टार्ट किया, उसके बाद तो इन्होंने सिखाया सर मुझे। जितेंद्र नेगी ये हमारे अपलायन है, सिमोन दीदी बहुत बड़ा रोल है, तो हम सब सीनियर एक हो चुके हैं, आप सब भी एक हो जाए सर, क्योंकि जाहिर सी बात है अकेले अकेले चलेंगे, अकेले, एक बचपन में कहानी सुनी थी कि अकेली लकड़ी तो कोई भी तोड़ सकता, लेकिन जब मुट्ठी बन जाती ना सर, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, तो इसलिए क्या है, अकेले अकेले चलोगे तो हर कोई तोड़ता फिरेगा, लेकिन एक होके चलोगे तो हिम्मत नहीं है कि आपको हिला दे, क्योंकि एक होके जब हम चलेंगे तो हम एक हो चुके हैं, पहले भी एक थे, आज एक मंच पे है, तो आप सभी सीनियर जूनियर जो भी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सिक्स सेवन, अपनी ट्यूनिंग मैच कर ले, आप बिजनेस को उड़ा के ले जाएंगे, आप अपने एरिया को खा जाएंगे, आप एक होके काम करें, तो हम सब एक हो गए, तो आप अब आप बारी आप लोगों की, तो थैंक यू वेरी मच, इन दो दिनों में कोई कमी रहेगी तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड डीटीएम, जॉइन डीटीएम एंड प्रमोट डीटीएम, थैंक यू वेरी मच।